हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा एसएससी का जो एक रिक्वायर निकला है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्ज़ाम 2020 के लिए। उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 6/11/2020 से 15/12/2020 में, ठीक है। उसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15/12, मतलब 15 दिसंबर 2020 में रात 11:30 तक, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट है 17/12, मतलब आप फॉर्म भरने के बाद 17/12 17 दिसंबर को। और लास्ट है आप टाइम ऑफ और चालान चैनल का लास्ट डेट है 19/12, ठीक है, मतलब ऑफलाइन। और उसका चैनल का पेमेंट का डेट है 21/12 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका कब होगा? 12/4, मतलब 12 अप्रैल 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा, फेज वाइज 17/27/2021 तक, ठीक है। और यहाँ पे वुमेन को एम्पावर के लिए ज़्यादा बोला गया है, ज़्यादा अप्लाई करें, ठीक है। और आपका पोस्ट, पहला पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, वो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और भी जेएसए लेवल 2 है। उसका सैलरी है 19,900 से 63,200 तक, बहुत अच्छी सैलरी है। मतलब आपको स्टार्टिंग में 19,900 मिलेगा, उसके बाद में 63,200 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा जॉब है, उसका भी बहुत अच्छा सैलरी आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, उसका सैलरी है 25,500 से 81,100 तक, ठीक है। और वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड एज पर वो, ये हिसाब से आपको डिसाइड होगा। रिजर्वेशन किसके लिए है? एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, सर्विस एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हमारा जो बोडो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे खाली थोड़ा मुश्किल है जाना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और नहीं तो बाकी में आपका जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, बॉर्डर रोड अरेंजमेंट्स, आपका उधर जाने से क्या है, वो पहाड़ी इलाका है और काम करना मुश्किल है उधर, ठीक है, वो हिली एरिया है, ठीक है, मुश्किल है काम करना, इसलिए उधर मना कर रहे होंगे शायद। और आपका, और आपको थोड़ा ये पढ़ लेना, ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर पोस्ट, मतलब जो लड़के ही खाली बोडो रोड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में, अगर आपको इंडियन होंगे, नेपाल होना है, नेपाल भी होना चलेगा, भूटान भी है, तिब्बतियन है, वो 1962 से पहले जो आया है, ये सब है, ठीक है। और जो माइग्रेट हुआ है, उगांडा, तंजानिया, ठीक है, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, सॉरी, मालवीय, जारिया, इथोपिया, वियतनाम, ये सब में भी अलाव है। एज आपका 18 से 27, ठीक है, 94 से 2003 के बीच। आपका एसएसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन, ये ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एसएसटी के लिए 15 साल, ठीक है, ये डाल सकते हैं। एक्स सब्डिविजन के लिए 3 साल, ठीक है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है इधर। हाँ, और आपका एक्स सर्विसमैन होने से, ठीक है, जो पेंशन मिला है वो भी डाल सकते हैं, और जो पेंशन मिल चुका है ऑलरेडी और नहीं मिला तो नहीं डाल सकते वो। उसके बाद है एक मेडिकल ग्राउंड से कोई निकला हुआ है तो उसको वो भी डाल सकते हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन कोटा में, ठीक है। और सारे और भी जो रिलीज हुआ है सर्विस से, उसको एजलेस, जनरली एक सर्विस में एज का रिलैक्स है और कुछ नहीं, इसमें बहुत सारे हैं पढ़ना है आपको, ठीक है, बहुत सारे जो जो मेन पॉइंट है मैं आपको बोल दिया हूँ, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन LDC, JSA, PASA, DO, ये सब के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना है, ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और जो CAG जॉब के लिए, CNAG के लिए 12th पास साइंस स्ट्रीम होना है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड, हाँ मैथमेटिक्स होना है, ठीक है, नहीं तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन।
सारे बहुत भी हैं, आपको सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है? सारा चीज़ आप पढ़ नहीं पाएंगे जनरली, जो मतलब मोटी मोटी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ इधर। कैसे अप्लाई करना है, ssc.nic.in में जाके अप्लाई करना है आपको, इसको रजिस्टर करना है। वो तो आप रजिस्टर कर देंगे, एक बार रजिस्टर कर देंगे तो आप लाइफ टाइम डाल सकते हैं उसमें, जब निकलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ। एप्लीकेशन फ़ी कितना है आपको मालूम है? 100 है, ठीक है? 100 वोमेन कैंडिडेट और SC ST ये सब के लिए फ्री 100 रुपया है, ठीक है? फी है। ये सब सेंटर वगैरह है उसका, जो साउथर्न सेंटर, नॉर्थन सेंटर, इसका एड्रेस आप पढ़ लेना। और हाँ, 3 फेज में एग्ज़ाम होगा, Tier 1 है का और Tier 2, Tier 3। Tier 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन। और Tier 2 में आपको पेन पेपर लेके जाना पड़ेगा, लिखना है उधर, ठीक है? और 3 सर है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। जो डाटा एंट्री पढ़ रहा है उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट मीन्स आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा Tier 3 में। और क्या क्या पढ़ना है आपको? इंजीनियर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, बेसिक इंग्लिश जो है। टोटल क्वेश्चन आएगा 25 और उसका मार्क है 50, 60 मिनट टोटल है, ठीक है? 80 मिनट जो PEE कैंडिडेट, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे उसके लिए। जनरल नॉलेज पे आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क का क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 50 मार्क, ठीक है? आपका जनरली 3 स्टेज में एग्जाम होगा, एक Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 में आपका, सॉरी, Tier 1 है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप का। Tier 2 में सब्जेक्टिव और Tier 3 में आपका स्किल टेस्ट। अब देखिए ये सिलेबस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका स्पॉट दिया रहा, और ये सब सिनोनिम्स ऑनोनिम्स ये सब है, स्पेलिंग ये करने के लिए। जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी आपका है, ये कोडिंग डिकोडिंग ये सब, ठीक है? आप बहुत थ्रू आगे तो RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी आप बहुत सारे यूट्यूब में कोर्स आपको मिलेंगे, वो कर लीजिए। क्वांटिटीज एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना है, ठीक है? नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब पढ़ना है, ठीक है? मेंसुरेशन मेंसुरेशन पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, स्टैटिकल चार्ट्स, जनरल आवर्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? और Tier 2 में आपको, देखा मैं बोल रहा था पहले से, 100 मार्क आएगा, पेन एंड पेपर लेके जाना है, उधर लिखना है, ठीक है? तो मैं उसमें क्वालिफाई होने का 33% चाहिए। और Tier 3 में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो भी है, और स्किल टेस्ट डाटा इंटरप्रेटर के लिए होगा, टाइपिंग टेस्ट, LDC, JSA ये सब के लिए, ये सारे बहुत सारे हैं, ठीक है? आपको कोई भी फोटो आईडी कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एग्जाम टाइमिंग लेके जाना है, ठीक है? मतलब ये सब लेके जाने से वो एंट्री होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये फोटो आईडी कार्ड नहीं है तो आपका वो 10th और ICIC का मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया होगा, मेट्रिक और जो आपके एजुकेशन कलेक्शन मार्कशीट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक सर्विस सर्टिफिकेट, ठीक है? ये सब कुछ नहीं, आप पहले प्रीलिम क्लियर कीजिए, उसके बाद में ये सब होगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है? डोंट वरी फॉर दैट, ये सारे 63 पेजेस है टोटल, 63 पेज आपको पढ़ना है, अगर पढ़ सके तो, बहुत मुश्किल है पढ़ना, ट्राई कीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है? नहीं होगा तो कमेंट में बताइए क्या क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ये सब टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस क्या करना है, क्या क्या करने से, 2 साल है, 3 साल है, ठीक है? बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मैं कह रहा हूँ देखिए, पे पे दिया है 100 रुपीज़, और वोमेन कैंडिडेट ये सब करिए फ्री है। ये सब जिसको स्क्राइब चाहिए, मतलब PEE कैंडिडेट जिसको स्क्राइब चाहिए वो लेंगे, ठीक है?
बहुत सारे हैं ऐसे, एक नहीं ले, हाँ सॉरी दूसरी जगह आ गया। हाँ ये देखिए ऐसे आएगा स्क्रीनशॉट आपका, आपको जहाँ अप्लाई करेंगे ना SSC का ये में, ऐसे आएगा स्क्रीनशॉट, आप ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई डाउट है मुझे पूछिए कमेंट में, मैं बता दूंगा आपको। ऐसे आएगा फॉर्मेट, ये तो ऐसे फॉर्मेट आएगा, ठीक है। इसको एक बार करने से आपको, आप डेली अप्लाई कर सकते हैं इसको। और लास्ट में सबमिट कर देना है, और आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो चालान आएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने से आपसे